वेलकम टू शी हेल्प के एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो बहुत सारे स्पॉयलर्स आगे होने वाले हैं, तो स्पॉयलर अलर्ट। और अगर इस वीडियो को स्टिल देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, जेनिफर वॉल्टर्स जो ही हमें यहाँ पे अपने बैक स्टोरी के बारे में बताती हुई नजर आती है कि किस तरीके से उन्हें यहाँ पे पावर्स अपनी जो है ब्रूस बैनर की वजह से मिली है, एक कार क्रैश होने की वजह से, और सिंपली उनका हाथ कटा हुआ हमें दिखाया जाता है जिसमें ब्रूस बैनर का यानी कि स्मार्ट हल्क वाला फिर गैमा रेडिएशन वाला ब्लड जो है उनकी बॉडी में चला जाता है और उसकी वजह से वो यहां पे कन्वर्ट होती है शी हल्क में। लेकिन एक मेजर स्पॉट चीज यहां पे मैंने करी है इस एपिसोड में कि जब यहां पे वो इस के बारे में डिस्कशन कर रही होती है ब्रूस बैनर की लैब में, जो कि एक आइलैंड पे होती है, तो वहां पे वो उनको बताते हैं कि यहां पे तुम्हारे जीन्स में कुछ ऐसा है, तुम्हारे बारे में कुछ बहुत ही डिफरेंट है, इतना डिफरेंट कि उसने मेरी डैमेज्ड आर्म को जो है वो हील कर दिया, यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स के ब्लड से वो अपनी जो स्नैप वाली आर्म थी ना, जो कि गॉन्टलेट को यूज करने के बाद डैमेज हो गई थी, फुल्ली हील हो जाती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, शी हल्क जो है उनकी जीन्स में ऑलरेडी म्यूटेशंस हो सकती है, वो ऑलरेडी एक म्यूटेंट हो सकती है, और इसी वजह से वो इतनी जल्दी हल्क के उस ब्लड को या फिर उसकी जीन्स को, जो कि स्मार्ट हल्क वाली जीन्स होती है, उसको और भी ज्यादा बेटर तरीके से, स्मार्ट हल्क से भी ज्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट करने में या फिर इवॉल्व करने में कामयाब होती है। इसके अलावा जेनिफर वॉल्टर्स ने डायरेक्ट रेफरेंस यूज किया द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का, जहां पे उन्होंने ब्रूस बैनर से कहा कि तुम बहुत टाइम तक एक अनजान आइलैंड पे छुपे रहे, और दूसरा यहां पे एवेंजर्स का जहां पे वो कोलकाता में यानी कि इंडिया में थी द एवेंजर्स मूवी में, उसका रेफरेंस यूज किया। प्लस यहां पे हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक बड़ा रेफरेंस देखने को मिलता है, जब यहां पे ब्रूस बैनर की उस बहामा हाउस में जेनिफर वॉल्टर्स आयरन मैन के हेलमेट के सामने आती है। तो गाइज, इसका डिज़ाइन आपको बिल्कुल उस हेलमेट की तरह सिमिलर देखने को मिला था जो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन लीजन वाले हेलमेट्स का देखा था, यानी कि जिस तरीके से वो टूटा हुआ था ऐसा लग रहा था जो अल्ट्रॉन ने जब यहाँ पे पहली बार वो क्रिएट हुआ था तो जिस बॉट को उसने क्रश किया होता है वो उसी हेलमेट का पार्ट हमें लग रहा होता है, जो कि सीधा कॉल बैक है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से। और एक और चीज़ यहाँ पे ब्रूस बैनर हमें अपने कार क्रैश से पहले जेनिफर वॉल्टर्स को बताते हुए नजर आते हैं, और एक और ये कॉल बैक यहाँ पर एक्समैन की तरफ ही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मशीन डिजाइन की होती है जो कि उनको स्मार्ट हल्क से यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में वापस से ले आती है और ह्यूमन फॉर्म में सस्टेन करने के लिए ये मशीन उन्होंने अपने आप के लिए कैलिब्रेट की होती है। अब अगर आपको याद होगा ना, एक्समैन द फ्यूचर पास्ट में जब लोगन पास्ट में जाते हैं तो हैंक जो कि एक ब्लू बीस्ट होते हैं एक्चुअली में, वहां पे एक सीरम का एक इंजेक्शन का यूज करते हैं जो कि उसके लेते ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बने रहते हैं, बने रहने में वो उन्हें ये सीरम उन्हें मदद करता है। और सेल्फ सेम चीज जेनिफर वॉल्टर्स भी ब्रूस बैनर से यहां पे इस एपिसोड में कहती है कि तुम मेरे लिए भी ऐसी एक मशीन बनाओ जो कि मेरे से कैलिब्रेटेड हो, जो कि मुझे अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहने में ही मदद करे, मैं यहां पे हल्क जो है वो नहीं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। इनडायरेक्ट यहां पे ईस्टर एग समझ सकते हो यहां पे एक्समैन के रिलेटेड में। और एक और चीज यहां पे जो डिस्कवर की है मैंने कि जिस तरीके से हल्क को दिखाया गया है ना, कि किस तरीके से उससे ज्यादा भी बेटर शी हल्क है, स्मार्टर हल्क से भी बेटर शी हल्क है, और किस तरीके से उसने गैमा रेडिएशंस को बिल्कुल बेहतर तरीके से यूज़ किया है। और यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स बिल्कुल ही हमें मॉक करते हुए नज़र आती है ब्रूस बैनर को कि यार अब तो मुझे अपने काम पे जाने दो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ और मुझे किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइज, यहीं पे जब मार्वल हमें ये दिखाने की कोशिश करें तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आने वाले एपिसोड्स में हमें बिल्कुल दिखाया जाएगा ऐसा कि शी हल्क को मेजर प्रॉब्लम्स होने वाली है अपने कैरेक्टर के रिलेटेड या फिर अपनी ऑल्टर ईगो के रिलेटेड। अभी हमें ब्रूस बैनर ने बताया कि उनके अंदर शायद कोई ऑल्टर ईगो नहीं है, लेकिन फ्यूचर के एपिसोड्स में हमें शायद पता ये चल सकता है। जेनिफर वॉल्टर्स स्टार्टिंग में अपनी पावर्स को कंट्रोल तो कर पा रही थी क्योंकि तब यहां पे उनकी ऑल्टर ईगो अभी तक डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन जो ही ये एपिसोड्स आगे बढ़ते जाएंगे यहां पे हमें जरूर से पता चलेगा कि उनकी भी कोई ऑल्टर ईगो यहां पे हल्क की तरह है, जैसे ब्रूस बैनर की हल्क है वैसे ही यहां पे जेनिफर वॉल्टर्स की एक हल्क जो है ऑल्टर ईगो होने वाली है, और इसका हमें मेजर इंपैक्ट जो है एक मेजर ट्विस्ट सीरीज में जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रूस बैनर यहां पे जब वो वहां से जाने वाली होती है जेनिफर वॉल्टर्स, तो वो उनसे कहते हैं कि जब भी कभी तुम्हें कोई जरूरत हो तुम यहां पे बिल्कुल आ सकती हो, जिसको मजाक में उड़ाते हुए यहां पे जेनिफर जो है वो वहां से चली जाती है। तो मेरा गैस यहां पे यही है कि यहां पे जेनिफर की भी ऑल्टर ईगो होने वाली है। स्कोरिया का एक मेजर हिंट हमें जेनिफर ने दिया जब वो ब्रूस बैनर को मॉक करते हुए ये आती है कि मुझे शी हल्क नहीं बनना है, और
और मुझे उस टीम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं काम करना है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर टीम है और जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के का इन्फ्लुएंस जो है वो एवेंजर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और स्कोविया अकॉर्ड्स का एक अमेंडेड वर्जन जो है उसी के अंडर जो है एवेंजर्स की टीम या फिर बाकी सुपर हीरोज जो है उसी अमेंडेड स्कोविया अकॉर्ड्स के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। और यहाँ पे यही नहीं, अभी तक हमें जो है जेनिफर वॉल्टर्स अपनी नॉर्मल लॉ प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है जहाँ पे वो आम लोगों को डिफेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे उसके भी हिंट्स हमें मिल चुके हैं क्योंकि अब उनकी आइडेंटिटी एज ए शी हल्क पूरे दुनिया के सामने आ चुकी है जहाँ पे वो पूरे कोर्ट रूम में शी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है अब यहाँ पे उनके पास प्रपोजल आएगा डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल या फिर US गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे एक सेपरेट सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन यहाँ पे सुपर ह्यूमंस के लिए ऑलरेडी क्रिएट तो होगा लेकिन उसमें अब एक मेजर पार्ट शी हल्क भी होने वाली है या फिर जेनिफर वॉल्टर्स भी होने वाली है। इस सीरीज के मेजर क्लाइमैक्स का क्या होने वाला है, क्या इसका एंड होने वाला है, प्रॉबली ब्रूस बैनर ने ही वो यहाँ पे हिंट कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियन शिप जिन्होंने अटैक किया था ना उन पे, तो वो एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे अकॉर्डिंग टू ब्रूस बैनर। अब वो क्या मैसेज था, क्योंकि जब भी हमें ये ओपनिंग सीन दिखाया गया था वहाँ पे हमें बस कुछ फ्लैशबैक्स कट टू कट सीन्स देखने को मिले थे, यानी कि प्रॉपरली हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। ये चीज़ हमें दिखाई गई, ब्रूस बैनर का एक्सीडेंट हुआ, जेनिफर वॉल्टर्स को पावर मिली, लेकिन जो है मून नाइट की तरह जिस तरीके से सीन्स ब्लैक आउट हो रहे थे वैसा ही हमें उस ओपनिंग सीन में भी देखने को मिला। और ब्रूस बैनर ने भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स अभी तक रिवील नहीं करी है कि एक्चुअली उस अटैक का मकसद क्या था। तो हो सकता है कि सकार जो कि सन ऑफ हल्क है जिनको र्यूमर किया जा रहा है कि वो इस सीरीज में होंगे और उनका एक बहुत ही बड़ा रोल होगा। और हालांकि मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा क्लाइमैक्स आखिरी के 2-3 एपिसोड जो है ना वो माइंड बॉगलिंग होने वाले हैं और इसी से रिलेटेड ये जो ओपनिंग सीन था इसको लास्ट के 2 एपिसोड्स हमें ज़रूर से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ था। और बहुत ही एपिक फाइट सीन भी होने वाला है। जो हमने स्टार्टिंग में फाइट सीन शोडाउन देखा था वो तो कॉमिक्स का एक ट्रिब्यूट था जहाँ पे हमें शी हल्क और हल्क आपस में टकराते हुए नजर आते हैं कॉमिक्स में भी, लेकिन वी वॉन्ट दैट इनक्रेडिबल हल्क टू बी बैक। अब वो क्या वो वापस आएंगे वो हमें इस सीरीज के एंड में पता चलेगा, क्योंकि जो सकार प्लैनेट का रिवेंज है या फिर ग्रैंड मास्टर का रिवेंज है उसी रिलेटेड मैसेज जो है वो शिप शायद डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है या फिर सन ऑफ हल्क जो है वो वापस आ रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से जेनिफर वॉल्टर्स अपनी पर्सनैलिटी इशू फेस करेगी थ्रू आउट द सीरीज और बाद में वो एक भीगी बिल्ली की तरह फिर से वापस आएगी ब्रूस बैनर के पास उनसे हेल्प मांगने के लिए, क्या होगा सकार का रिवेंज, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलने वाला है। और यहाँ पे साधु संत हमारे कैप्टन अमेरिका भी नहीं है, ये भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी वर्जिनिटी जो है वो लूज की थी। और ये हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस बैनर के ही मुंह से सुनने को मिलता है कि 1943 के USO वॉर के दौरान उन्होंने अपनी वर्जिनिटी किसी और को यहाँ पे बेच खाई थी या फिर हो गई थी। और जो ग्रेट एस का कैच फ्रेज है वो यहाँ पे हमें जेनिफर वॉल्टर्स भी प्ले आउट करती हुई नजर आती हैं। लेकिन गाइज ऑल इन ऑल ये एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत सारे ईस्टर एग्स ऐसे थे कि जो कि मैं आगे के लिए बचा के रखना चाहूँगा। तो गाइज़ आपको ये वीडियो आपको शी हल्क का एपिसोड 1 कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ बहुत ज़्यादा आपसे किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।